हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ है श्रवण अग्रवाल और सक्षम अग्रवाल। दोस्तों दोनों का सरनेम सेम है बट दोनों भाई नहीं है, पहले ही आप लोगों को बता दूं मैं ये बात। श्रवण अग्रवाल दोस्तों AIR 1 थे इन UGA प्लस UGB बी मैथ पेपर 2023। सक्षम अग्रवाल AIR 22 थे इन UGA प्लस UGB। इसके बाद इन लोगों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद इनकी रैंक चेंज हुई, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे सीधा इस चीज के बारे में कि कैसे इन्होंने ये मैनेज किया और आखिरी में टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं श्रवण से पूछूंगा, श्रवण से आई विल स्टार्ट कि अब 12 तारीख को पेपर है ISI का, ठीक है, तो लास्ट के 2-3 दिन में क्या कर सकते हैं कंसिडरिंग कि बच्चे JEE एडवांस में भी बिजी है। एक तो UGB UGA जो होता है वो JEE मेन टाइप ही होता है। अगर किसी बच्चे ने सफिशिएंट नॉन रूटीन पढ़ रखी PRMO IOKM के लिए तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि UGA इजियर साइड पे होता है PRMO से। और अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो फिर ठीक है, जितना आता है उसमें में भी हो जाएगा, लेकिन नॉन रूटीन बहुत कम आता है। अगर एक दो तीन अगर आपके वन शॉट भी देख ले तो उससे भी काम हो जाएगा। जो मेन दिक्कत होती है वो UGB पे, तो UGB पे जो होता है वो प्रूफ बेस्ड होता है, तो उसमें हमें चीजें आती होती हैं, बस हमें प्रूफ करनी होती है। तो उसमें एक चीज जिसका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब मैंने UGB दिया था तब तो मेरे को प्रूफ्स का आइडिया नहीं था, बट क्योंकि अब मेरा 1 साल कॉलेज में हो गया है और मैं 1 साल से MTH में प्रूफ ही कर रहा हूँ, तो अब आइडिया है कि मोस्ट ऑफ द चीजें हमको स्टेट करना होता है। मतलब हम क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम, या फिर स्कूल में भी प्रूफ कर देते थे तो लेट एक्स बी ए नंबर लिख देते थे, बट इन रियल वर्ल्ड जब हम MTH लाइक प्रोफेसर्स के अंडर प्रूफ्स होते हैं तो XBA नंबर कुछ नहीं होता है, हमें स्टेट करना होता है लेट XBA नंबर, लेट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, X बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, X बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर हम किसी भी चीज को अज्यूम करते हैं तो हमें स्टेट करना होता है क्लियरली कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट C। मतलब हमें क्लियर रखनी होती है अपनी चीजें कि कोई भी गैप्स ना हो हमारे प्रूफ में, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है जो प्रोफेसर माइंड करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, मेरा 1 साल में प्रोफेसर के मेरे प्रूफ चेक करते हैं प्रोफेसर, मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ पे गलती हम मेरी फाइंड आउट करते हैं। वो सेम प्रोफेसर ही आपके ISI में भी पेपर चेक करेंगे, बट वो जानते हैं कि हम इतना लाइक ISI देने वाला बच्चा इतना तो वो उसको प्रूफ का आइडिया नहीं है, तो लीलियन करते हैं थोड़ी चेकिंग। बट अगेन हमको बस यही चेक करना होगा कि लाइक कि हम अपने प्रूफ में मेंशन करें चीजों को, क्लियरली स्टेट करें हम जो जो अजम्पशन ले रहे हैं, जो जो फैक्ट्स लिख रहे हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं ना हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS, तो ये एक्चुअली में हमें लिखना होता है, ये मजाक वाली चीजें नहीं है। तो बस यही हमारी, और बाकी आप IGES AOPS में जाके प्रूफ देख सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर कॉपीज मिल जाएंगी आपको। तो बस UGB में प्रूफिंग पार्ट, बाकी लास्ट के 2-3 दिन में और कुछ इस पे, मतलब पेपर दे लें एक तो UGB के UGA के, बस बाकी तो वही। ठीक है, सो दोस्तों मैं बताना भूल गया, इसकी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि ISI के अंदर है, ये ISI के अंदर दोस्तों नहीं है, ये IIT कानपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस से अपनी पढ़ाई कर रहा है। 1 साल इसका कंप्लीट हो चुका है, 1 साल के बाद इसकी 9.3 CPI है जो इसने कल ही हमें बताई थी, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। पढ़ाई में अभी भी सीरियस है, फर्स्ट सेमेस्टर में सीरियस नहीं था मगर अभी थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हुआ है, कुछ रियलाइजेशन है उसको जो लाइफ में हुए हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग सक्षम की तरफ चलते हैं। सक्षम AIR 22, ये इनका हमेशा से पैशन था दोस्तों रिसर्च करने का, तो इन्होंने बेसिकली रिसर्च करने के लिए ISE चूज किया मगर वहां पे ब्रांच चूज की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, बीटेक ये कर रहे हैं, तो बीटेक कर रहे हैं ISE से, तो इनको क्या है कि हम लोग सब यही बोलते थे कि यार तुम्हें बीटेक करनी चाहिए, इनको ISE जाना था, तो इन्होंने सबका मन रखते हुए ऐसी चीज चूज की कि ISE बीटेक भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सक्षम। अच्छा मैं आप लोग को दोस्तों ये भी चीज बता दूं, श्रवण के 116 नंबर थे 120 में से UGA के अंदर, राइट, और UGB में कितने क्वेश्चन सही थे तेरे अप्रोक्सीमेटली, नंबर एग्जैक्टली तो पता नहीं चलता। मैंने 8 में से 7 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 5 या 6 तो लगभग सही थे। ठीक है सक्षम, तुम्हारा क्या क्या स्कोर था? मेरे को नहीं याद सर। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तुम्हारा भी 100 से ऊपर तो UGA में तो ऑलमोस्ट 113 मतलब दो क्वेश्चन गलत थे शायद, कुछ तो ऐसा ही था, 112 था सक्षम का। हाँ सर 112 था, तो मतलब 120 में से 112 120 में से 116 वाले बच्चे हैं दोस्तों। चलो आप बताओ भाई सक्षम, व्हाट इज योर टेक? मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि UGB ऐसा आता है कि थोड़ा वो ऐसा रिगर चाहिए होती है उसके लिए, और वो प्रूफ्स क्योंकि हमने 11th-12th में नहीं देखे होते, और क्योंकि जो रैंक आती है वो क्यूमुलेटिव आती है, UGA और UGB की दोनों के वेटेड आती है, तो
हमें इंश्योर करना है कि यूजीए में जितने ज्यादा मार्क्स आ सके, फुल ऑलमोस्ट फुल आ सके, उतने यूजीए में मार्क्स आ जाए। और क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम होता है क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चंस कम होते हैं, और इतने ज्यादा लेंदी भी नहीं होते, कैलकुलेटिव भी नहीं होते, थोड़ा सा बस अगर हल्का सा नॉन रूटीन एस्पेक्ट होता है वो, लेकिन दिख जाता है। इतनी अगर 11th 12th में मैथ्स करो तो वो इनहेरेंट दिख जाता है। तो ये इंश्योर करो कि यूजीए में जितने ज्यादा मार्क्स आ सके, अगर 120 के 120 आ रहे हैं तो बस वो इंश्योर करो। और यूजीबी में हाँ, जैसे कि इसने बताया कि हर प्रूफ में एक रिगर देखते हैं वो, कि आपने लिखा कैसे है, आपने क्लेम्स लिखे हैं उसको प्रूफ कैसे किया है, या फिर आपसे कुछ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपने ढंग से क्या क्या कहते हैं समझा है कि नहीं, और उसको आप कैसे लिख रहे हो, लिखने के ज्यादा मार्क्स हैं रेदर देन कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस यूजीबी में मोस्टली होते भी नहीं है कि आप सिर्फ सॉल्व कर जाओ और आप लिख नहीं पाए, या तो आपसे होंगे ही नहीं वरना आप लिख लोगे। और बेस और मेरे हिसाब से तो पार्शियल मार्किंग होती है यूजीबी में, अगर आपने आधा प्रूफ भी छोड़ा है तो उसके मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि मेरे को याद है कि मैं और श्रवण एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सेम सॉल्यूशन था, ये लिख के आया था, और मैं क्योंकि मेरे को पूरा नहीं हुआ था और मैं आधा छोड़ आया था, और मेरे हिसाब से उसको इसके मार्क्स मिले थे। हाँ बट पार्शियल वो मार्किंग तो रहती है यूजी में, मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तब इंटरव्यू के टाइम क्या हुआ था कि मेरे से लाइक 8 में से जो इकलौता क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, मेरे को इंटरव्यू में वो सेम सवाल पूछा गया था। बट मैं मतलब वो ये इंटरव्यू से रिलेटेड ये चीज है जो कि आपको बाद में बता देता, बट ठीक है। इंटरव्यू जो बैंगलोर में होते हैं, डेट इज ऑफ बी मैथ बी के मैथ, बैंगलोर में। हाँ बी मैथ के जो होते हैं, उसमें लास्ट 2 ईयर से ये ट्रेंड आ रहा है कि जो क्वेश्चन आप तो यूजीबी में नहीं करके जाते, आपसे वही पूछ लेते हैं। तो मेरे से भी सेम चीज हुआ, बट मैं सीरियस नहीं था तो मैं वो क्वेश्चन भी देख के नहीं किया उसका सॉल्यूशन। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मेरे को मतलब मैंने घर जाके भी इसे ट्राई नहीं किया। फिर उन्होंने मुझसे एक दूसरा सवाल पूछा जो कि मैंने पार्शियल छोड़ा था, लाइक मैंने लेट से 70-80% उस क्वेश्चन को सही कर लिया था, फिर एक गलत क्लेम लेके उस क्वेश्चन को पूरा किया था। तो वो बस उन्होंने क्या किया कि मेरे से प्रूफ स्टार्ट कराया, जब मैं उस 70% तक गया वहां तक वो कुछ नहीं बोले, बट उसके बाद अगेन मैंने कोई सेम गलत क्लेम किया तो उन्होंने मेरे को टोका वहां पे जाके कि क्या ये क्लेम सही होगा। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सोचने का मौका दिया, तो उन्होंने खुद हेल्प करी कि मैं उस गलत से सही की ओर जा पाऊँ। फिर जैसे ही मैंने सही किया, उन्होंने मेरा बचा हुआ 30% प्रूफ देखा और बोला कि ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उस पे उन्होंने लाइक उन्होंने कॉपी अच्छे से देखी है पहली चीज तो, और उन्होंने 70% प्रूफ के मार्क्स दिए होंगे, तभी वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो बिकॉज अगर वो पार्शियल मार्किंग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि लोगों के एक या दो क्वेश्चन ही सही हो। तो आपको प्रूफ जितना आता है, लाइक अगर आपको थोड़ी बहुत कंडीशन आती है, आप लाइक अगर 10-20-30% प्रूफ भी कर पा रहे हैं, जो कि लाइक क्वेश्चन में कहा जाता है, लाइक आपसे बोर्ड्स पे बोलते हैं कि क्वेश्चन लिख के आ जाओ, उतना तो नहीं, बट आप थोड़ा भी आगे बढ़ पा रहे हैं तो जरूर लिखे, थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिलते हैं हर जगह ही पार्शियल मार्किंग के। थोड़ा सा अगर टाइम हो, अभी तो 2-3 दिन ही है, देख सकते हैं। प्रूफ बाय इंडक्शन और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं हाँ कि आप अज्यूम करो और इस तरीके से सॉल्व, मतलब स्टेप्स अपने बढ़ाओ और लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है और जो आपका क्वेश्चन सही करा है। तो प्रूफ बाय इंडक्शन या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में से दोनों में से कोई एक तो आएगा ही। मेरे में भी कॉन्ट्रडिक्शन का इंडक्शन का आया था एक, हाँ तो मुझे भी वो एक याद है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके क्वेश्चन सारे कर लो, वो प्रोसीजर अगर आपको आता हो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करना, या फिर कुछ ऐसा अज्यूम कर लूंगा तो एंड में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। करेक्ट। इंडक्शन तो हाँ, सो ये एक तो चीज है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होता है वी विल प्रोवाइड इंटरव्यू सपोर्ट ऑल एज वेल। पिछले साल भी जो हमारे आईएसआई के कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे इन बच्चों की भी हेल्प हुई थी, इन बच्चों को भी हम लोगों ने इंटरव्यू करवाए थे। तो यही बच्चे अब आप लोगों की भी हेल्प करेंगे दोस्तों। श्रवण और सक्षम बिल्कुल लुक्के हैं अगले 2 महीने जैसा कि मुझे बताया गया है, ठीक है? तो ये आप लोग की डेफिनेटली हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आप रजिस्टर करें, है ना? तो ये बता दिया जाएगा आपको कि कैसे रजिस्टर करना है। आईएसआई के सोल्यूशन के दिन 12 तारीख को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे, और लाइव सॉल्व में दोस्तों इस बार जो फीचर रहेगा, श्रवण और सक्षम भी लाइव सॉल्व में पार्टिसिपेट करेंगे इस बार, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग 12 तारीख को मिलते हैं। कुछ लास्ट थॉट्स आप बताना चाहेंगे श्रवण सक्षम? सबसे पहले श्रवण से स्टार्ट करते हैं। लास्ट शॉट में तो वही एक चीज जो अभी सक्षम ने बोली, इंडक्शन जरूर देख के जाना, क्योंकि मुझे भी याद है 8 में से 2 या 3 क्वेश्चन इंडक्शन से हो रहे थे। और इंडक्शन प्रूफ में एक ऐसी चीज है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंडक्शन से पार्शियली तो हो जाते हैं काफी हद तक, तो एक इंडक्शन देख के जाना। बाकी वही
यूजीए में अपना अच्छा स्कोर करना और लाइक थोड़ा सा चिल रहना है, बिकॉज ये पेपर क्योंकि जेई एडवांस के कुछ 14-15 दिन पहले होता है, हमारे में भी यही हुआ था 2 हफ्ते पहले एग्जैक्ट, तो कुछ लाइक काफी कम लोग देते हैं इसे जो कि ऊपर के रैंक के लोग होते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ गरीब बच्चों की भी AIR 1 आ जाए रिटन टेस्ट में, तो इस चीज का ध्यान रखें कि पेपर देने जरूर जाए, छोड़े ना पेपर को, तो बस वही है, कॉन्फिडेंस रखें। सही है, चलो बहुत ही बढ़िया यार। और सक्षम माँ बाप बताओ? मेरा तो बस यही है कि अभी चिल करो, अब 3 दिन में ज्यादा कुछ वैसे भी करके क्या करोगे, और बस UGA का पेपर जल्दीबाजी में मत देना, वो बहुत स्कोरिंग पेपर है और आराम से टाइम से हो भी जाएगा, तो उसमें जितना मार्क्स ला सकते हो जितने भी, और उसमें ये मत सोचना कि लिखना कैसे है, किसी भी तरीके से आंसर आ रहा हो, किसी भी तरीके से बस आंसर आ जाना चाहिए। एथिकल मीन्स है, किसी भी तरीके से दोस्तों आंसर आ रहा हो लाइएगा प्लीज, ठीक है हाँ ना? तो और तो बाकी तो ये है कि दोस्तों टाइमली आप लोग पहुंच जाना पेपर देते वक्त, वो सब चीजें हैं, ठीक हाँ है? वो जो सब सब ठीक है, चीजें नाश्ता वाश्ता करते जाना। जो चीजें जेई एडवांस के लिए रेलिवेंट है वो यहाँ पे भी रेलिवेंट है। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है? तो आप लोग को सफिशियंटली मतलब सप्लाईज लेके जानी है, और दोनों पेपर के बीच में इधर उधर गप्पे ना मारे दोस्तों, ठीक है? गपोड़े ना करें, बाकी तो सब सही रहेगा दोस्तों। और बाकी 12 तारीख को हम लोग आपसे मिलते हैं, लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट।